Hi, welcome to my channel viewers and to all YouTube viewers. Today I will show you and tell you about a very precious plant which have more qualities, and it's recently the government of India has announced this plant is a national medicine. Friends, I will detail you in multiple languages, English, Hindi and Nepali. Permanent to my channel viewers who have subscribed my YouTube channel globally. You can see this is such a precious plants available in the world, having multiple qualities. Even when you consume the leaves and the stems of these plants, it will help you to boost your immunity and heal the infection in your internal body part. नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं ऐसा औषधीय पौधा को आपके सामने लेकर आया हूँ जो अपने आप में एक अमृत के समान है, और हाल ही भारत सरकार के द्वारा इस प्लांट को एक राष्ट्रीय औषधि के रूप में घोषित किया गया है। ये पौधा है गिलोय, इसको इंग्लिश में ट्रांसपोरा कार्डिफोलिया और हार्ट लिप मूनशीट के नाम से जाना जाता है। गिलोय एक ऐसा औषधि है, अगर किसी को शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो, डेंगू बुखार के कारण शरीर में प्लेटलेट्स का कमी हुआ हो, तो आप इसके पत्ते को, दो तीन पत्ते को तोड़ें और इसको पीस कर पेस्ट बना लें और पानी के साथ मिलाकर इसको पी लें। अगर इसके पत्ते नहीं तो इसके स्टीम जो रूप जो है, इसको भी आप लेके छोटा छोटा पीस करके इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लें और इसी तरह पानी में मिलाकर इसको पी लें सुबह और शाम दो बार, जो आपको प्लेटलेट्स की कमी को दूर करेगा और साथ ही अगर हमारे शरीर में कोई कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो उस घाव को बहुत जल्दी हील करने में भी ये पौधा काफ़ी हेल्पफुल है। नमस्कार साथियों, मैं आज मेरे YouTube चैनल को माध्यम बाटा पुनः हजुरहरु को सामने हाजिर छूँ। आज मैं हजुरहरुलाई एक यस्तो औषधीय एक प्लांट को बारे में भन्न गइरहेको छु। यो जो प्लांट छ, यो पौधा छ, इसमें मल्टिपल औषधीय गुण भएको कारणले गर्दा भर्खरै भारत सरकार को द्वारा इस प्लांट लाई एक राष्ट्रीय
औषधि को रूप में मानिएको छ र घोषित गरिएको छ। हजुरहरुको जानकारी को लागि म भनिदिऊँ कि यस प्लान्टलाई भारत में गिलोय को नाम में चिनिन्छ र यसको इंग्लिश नाम ट्रिनोस्पोरा कार्डिफोलिया र अर्को नाम चाहिँ हार्ट लिफ्ट मून सीड को नाम में चिनिन्छ। यो औषधीय पौधा भारत में मात्र नभएर पूरा विश्वभरि नै मिल्ने गर्छ, तर यो औषधीय पौधालाई जंगलमा जानु पर्छ खोज्नको लागि र यसको एउटा सानो टेनी और ब्रान्चलाई तोडेर ल्याएर घरमा पनि लगाउन सकिन्छ। त यो धेरै फयो काइन्ड इन्फर्मेसन। दिस इज ओन्ली द प्लान्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड विच इज हेभिङ मल्टिपल मेडिसिनल क्वालिटिज। र यसलाई अर्को नाममा भन्ने हो भने यो युगमा धरतीमा मिल्ने एक यस्तो औषधि हो, यसलाई अमृतको नाममा पनि चिन्न सकिन्छ। सायद इसीलिए होगा हमारे ऋषि मुनिया एंशेंट काल में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हिमालय के तरफ और घनघोर जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, योगासन करते थे और ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधियाँ ढूंढते रहते थे और इन्हीं को प्रयोग करके लोगों को स्वास्थ्य करने का काम करते थे। तो आज हम इस प्रदूषित युग में जी रहे हैं और ये प्रदूषण के कारण हमारा जिंदगी धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। फिर भी अगर हम इस प्रकृति की रक्षा के लिए प्रण करें, एक प्रतिज्ञा करें, इस धरती माँ का अगर सही में बोले तो अगर धरती माँ को अगर हम सही तरीके से इसका सम्मान करें, पूजें, तो उसका एक ही तरीका है कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास, अपने घर के आसपास, और जंगल में अननेसेसरली जो है ट्री प्लांट को जंगलों को न काटें। साथ ही और ये संदेश हम अपने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि हमारा नेचर सुरक्षित रह सके। यदि नेचर सुरक्षित है तो हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, ये जैसा कि मैंने कहा, ये गिलोय है, आप नज़दीक से देख रहे हैं, ये गिलोय के पत्ते हैं और इसके टहनी इस तरह होती है, इस टहनी इस तरह होती है और ये आगे कहीं पे भी आराम से फैलता जाता है। और इसको इंसान में नहीं बल्कि जानवर, हमारे गौ माता और भैंस को, दूधेरू गाय और दूधेरू भैंस को अगर वो अपना मिल्क प्रोडक्ट कम देते हैं, दूध कम देते हैं, तो उनको आप कुछ नहीं करना है, इसके कुछ पत्ते तोड़ने और इसका स्टीम, नहीं तो अगर पत्ते नहीं तो इसके स्टीम्स को तोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के पश्चात इसको उनके चारे में मिलाकर उनको खिला दें और आपको एक ऐसा मैजिक देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डे ही उसके दूध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट में जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मानव जीवन के लिए एक वरदान, एक अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे औषधीय गुण हैं। और आयुर्वेद में तो इसको, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर गिलोय के बिना अधूरा है, क्योंकि जैसे ही आप समोसे, आलू के बिना समोसे नहीं बनता, उसी तरह कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है जिसमें गिलोय नहीं मिलता हो और गिलोय के बिना कोई ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता हो। तो इसका प्रयोग और किन किन चीज़ों के लिए इस औषधीय पौधा का प्रयोग किया जाता है मैंने पहले भी बता दिया, फिर आपको बता दूं। अगर किसी को मलेरिया या डेंगू हो गया और उसको उसका एकमात्र इलाज है, उसको वो बिना शरीर को नुकसान किए जो सही तरीके से उसका उपचार किया जा सकता है, वो है ये गिलोय। और गिलोय के
चार पांच पत्तों को तोड़ लें, अगर पत्ते नहीं तो इसके स्टीम को छोटा सा पीस काट लें और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के पश्चात पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार आप इसको पी लें तो आपके शरीर में जो भी डेंगू के वायरसेस है, डेंगू के वायरस और मलेरिया के वायरस से जो आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ही जल्दी रिकवर होने लगेगा। और साथ में जैसा कि कई बार हमारे देश में डेंगू ने पैर पसारे हैं, जब डेंगू ने पैर पसारे तो उसमें उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे प्लेटलेट में पड़ता है, प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाता है जिसके कारण जो है मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस परिस्थिति में आप ये गिलोय एक अमृत, बल्कि बता दें अगर आप गिलोय को अगर उस परिस्थिति में अगर आप गिलोय को खा लें, गिलोय का प्रयोग करें तो ये किसी इमोर्टल वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग करने का तरीका वही है। आप चार पांच पत्तों को तोड़ लें और इसके नहीं तो इसके स्टीम को तोड़ लें और उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड के पश्चात पानी में मिलाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को डेंगू या मलेरिया के मरीज को पिला दें और धीरे धीरे वो 2-1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा और उसके प्लेटलेट इवन एक दिन पहले दिन प्रयोग करने के आप दूसरे दिन जब इसका टेस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके शरीर में प्लेटलेट्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है या पेट में कोई गर्मी हो गई है, अगर आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उस परिस्थिति में एक गिलोय एक ये उस परिस्थिति में भी ये गिलोय एक अमृत की तरह काम करता है, इसको आप ले सकते हैं। और तीसरा प्रयोग, हमारे देश में धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर, इसके जो मरीज हैं स्पेशली उन लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आई अर्ज ऑल द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड थायराइड्स, प्लीज यू रेगुलरली टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल फाइंड डेफिनेटली यू विल फील मोर कम्फर्टेबल एंड द योर क्रॉनिक डिजीजेज विल ग्रेजुअली डिक्रीज और हील। तो इस औषधीय पौधा गिलोय जिसको इंग्लिश में ट्रिनोस्फोरा कार्डिफोलिया और हार्ट लिप्ड मून सीड के नाम से जाना जाता है, इसको जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, थायराइड है और स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज से पीड़ित है वो इनको अवश्य लें। 4-5 पत्ते इसके तोड़ लें, अगर पत्ते नहीं तो इसके स्टीम को तोड़ लें और उसको छोटा छोटा पीस करके ग्राइंडिंग कर लें और पानी में मिला के सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार इसको लें और आपको ये क्रॉनिक डिजीजेज थायराइड, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और इस पौधा को आप नज़दीक से देखिए, इसके पत्ते इस तरह होते हैं, इसीलिए इसको हार्ट लिप्ड मून सीड कहा जाता है, यानी कि हमारे हृदय की तरह इसके पत्ते होते हैं, उस सेब का पत्ते होते हैं। और इसका इसी तरह छोटा सा एक टहनी तोड़कर आप अपने घर में आसपास लगा सकते हैं, ये कहीं पे भी उग जाता है, कहीं पे भी लग जाता है। तो दोस्त आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि मेरे वीडियो में जो भी कमी रहा हो उसको मैं
मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, उसको इम्प्रूव कर सकूँ और उसको सुधार सकूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट फॉर वॉचिंग माई YouTube videos. Kindly share your comments, share my channel among the pupils, among your friends and relatives, and write comment about any discrepancies so that I can improve in my next video. Thank you very much. Bye bye.